लेकिन सैयद साहब एक बात अगर ईमानदारी से आप देखें, ममता कब जाएंगे कितने से, तो उस जगह के लीडर को प्रोजेक्ट करके चुनाव पर जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मुख्य रूप से सामने रखकर चुनावी वैतरणी में जाना, ये डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है या डिफरेंस ऑफ सिचुएशन है? नहीं देखिए, मैं दो बातें कहता हूं। देखिए मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडर है, ममता बनर्जी उस पार्टी की सबसे सुप्रीम लीडर है। प्रधानमंत्री जी को हम कोई इलेक्शन में उनको प्रोजेक्ट करके नहीं, प्रधानमंत्री को लोग जानते हैं उनके काम के द्वारा, जो उन्होंने काम किया है पिछले 7 सालों में, उस काम को हर लोग की प्रशंसा करते हैं, उनकी लोकप्रियता इस देश में है। अगर हमारे पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है जिसको लोग जिसको पसंद करते हैं, जो जिन लीडर्स को लोग पसंद करते हैं जिनकी लोकप्रियता है, तो हमें कोई कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि हम अपने बड़े और हम दमखम से लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन को सिंसियरली और सीरियसली लड़ती है, बंगाल इलेक्शन को भी उसी तरह से। इसी को दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं सर, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। आपकी बात नटशेल में मैंने समझ ली, जरा मैं ये समझ लूं संजीव उनियाल साहब से। संजीव उनियाल साहब, एक लड़ाके के पास तलवार थी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब पूछा गया उसके ओपोनेंट से कि उसके पास वो तलवार है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने कहा कभी तो वो बगैर तलवार के भी होगा। ये क्या, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके लिए कहीं चिंता का भी सबब होती है क्या? मैं प्रधानमंत्री के चेहरे और उस पर भरोसे के लिहाज से बात कर रहा हूं। गौतम, आपने बहुत अच्छी बात करी। वास्तव में जो बंगाल को, टीएमसी को, दीदी को जो हफाफट हो रही है, वो भागने में अक्षम है, वो उनके साथ जो है वो कंपीट नहीं कर पा रही, उसका रीजन पता क्या है? यही रीजन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कमी। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है, ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। आपने सारा बंगाल का, वेस्ट बंगाल के जो ऐसा कैडर था कम्युनिस्टों के साथ, सुनील जी के साथ जुड़ा हुआ था, जो 3 में ना 13 में है, उन सबको आपने इंपोर्ट कर लिया था। अब आपका झगड़ा जो है एक व्यक्ति से नहीं है, कैडर ये शब्द तो संजीव उनियाल साहब, ये व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए। आपका झगड़ा जो है वो एक तलवार से नहीं है, आपका तलवार से झगड़ा नहीं है इस टाइम, आपका इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे संगठन से झगड़ा है जो कि संसार का अजूबा संगठन है, जो कि संसार का अपने से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि एक बड़ी सूची है जिसमें कार्यकर्ताओं की, उसमें एक ममता दीदी के आसपास सारा इर्द-गिर्द नहीं घूमता, जिसमें तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का पावर भी है, केवल प्रधानमंत्री नहीं उसके साथ संगठन की ताकत भी है। मैं जरा सुनीत जी से इसको समझ लूं। सुनीत जी, इस तमाम प्रचार प्रसार हो हल्ले में तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा आपका गठबंधन और आप? कौन कहते नहीं नजर आ रहा, परेड ग्राउंड की रैली आपने देखी नहीं? अभी तो मोदी अपनी करेंगे परेड ग्राउंड में, देखेंगे कितनी बड़ी है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है देखने में। मेरा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने विचारों के द्वारा नहीं जाने जाते। सबसे बड़ा नारा क्या दिया था उन्होंने, अब की बार ट्रंप सरकार, और दुनिया में हुआ क्या, उल्टा। तो प्रधानमंत्री के जो विश्वास है वो टूट चुका है। स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा ना आपका, कमी है। आपको बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप देखें स्ट्राइक रेट छोड़ रहे हैं, जब आप स्ट्राइक रेट, सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट था अब की बार जी। और एक बात और मुझको याद आ रही है, अगर भीड़ जमा हो गई और सूट नहीं करती तो यही कहा जाता है हेलीकॉप्टर देखने आ गई थी। अरे पहले पहले लेकिन लेकिन लेकिन, तो लेकिन आने दो। मैं शुभांकर जी के पास जाऊं, बोलो भीड़ आ गई आने से पहले जब आप ये बात करेंगे तो मैं मानूंगा आपका एंकर जो है, आप जो हैं आप भी मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर आ गई भीड़ तो दो चीजें कही जाती हैं कि या तो एरोप्लेन देखने आई है या कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने तो बताया है, मैं तो कहता हूं सूटेबिलिटी की बात कर रहा हूं सरकार। अच्छा चलिए ये खबर सुन लीजिए, मैं फिर आता हूं आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।